दोस्तों इस दो औरत से शारीरिक सुख मिलने का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस समय दो औरत से शारीरिक सुख मिलने वाला है। आप दोस्तों इसे भूलकर भी इग्नोर ना करें, या जो दो औरत है आपसे जुड़ने वाले हैं, या दोस्तों आपको काफी दिल से पसंद कर रही है और खुद दोस्तों यह आपके करीब आने वाली है, आपको काफी चाहने लगी है। इस औरत के होठों पर सिर्फ आपका नाम है। सोते जागते हुए दोस्तों यह आपकी यादों में खोए रहती है। यह औरत दोस्तों आपको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही है। वह इनसे मिलन होने का इस समय बड़ा सहयोग बनने वाले हैं आपके जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, आप हमारी बातों को ही ध्यान से समझिए, तभी दोस्तों आप इस औरत के बारे में जानने वाले हैं, जो कि दोस्तों इस समय आपसे मिलेंगी और शारीरिक सुख भी देने वाली है। यह दूरत तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही दोस्तों इस समय आपको अपने जीवन काल में दोस्तों कुछ सावधानियों को भी बरतना होगा, नहीं तो दोस्तों आप अपने जीवन काल में बड़ी परेशानी में भी फंस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ी सी सावधानी बरतने में इस समय कोई कसर छोड़ते हैं तो फिर दोस्तों आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर दोस्तों आप बाद में पछताएंगे भी। क्या आखिरकार इस सावधानी को हम बरत लेते तो फिर हमें यह दिन देखने नहीं पड़ते, हमें यह परेशानी झेलना नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, तो इसी में आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। साथ ही आपके जीवन काल में इस समय कुछ खुशखबरी भी प्राप्त हो सकते हैं। आपके जीवन काल में कुछ शुभ घटना भी होने वाले हैं, जिनसे कि दोस्तों आप पूरी तरह से खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी की बड़ी चमत्कार भी होने वाले हैं इस समय। तो दोस्तों यह जो वीडियो है आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट, लाभदायक होने वाले है। आज हम आपको जो बातें एक एक करके बताएंगे उसे दोस्तों आपको अपने जीवन काल में लाभ लेना है और सावधानी बरतना है, परेशानियों से बचना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे उस दो औरत के बारे में भी जो कि दोस्तों आपको शारीरिक सुख मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में पहले हम आपको बताते हैं कि यह समय कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस के लिए कैसा है और फिर आगे की जानकारी जानने वाले हैं। तो दोस्तों स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। किसी कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक कार्य करने को मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। राजनीति में पद एवं कद बढ़ेगा। नौकरी में उच्च अधिकारी से हुए मनमुटाव की समाप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने भी जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जो भी जातक नौकरी की तलाश में थी उनकी नौकरी की तलाश पूरी होगी और दोस्तों आपको व्यापार में नए प्रयोग अगर आप करते हैं तो लाभकारी सिद्ध होगा। किसी में योजना का हिस्सा बनेंगे, नए सहयोगी बनने से उत्साह में वृद्धि होगा। वाहन सुख उत्तम रहेगा। दूर देश से किसी परिजन का आगमन सुखदायक सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपकी वाक पटुता की सराहना होगा। साथ ही दोस्तों आम तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति कोई भी आपको लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है, अन्यथा किसी रोग के गंभीर रोग के रूप लेने के योग्य है। परिवार में आपके प्रति आस्था बढ़ेंगे, जिन मानसिक शांति भी मिलेगा। नींद आपका अच्छी आएंगी। गुलर का वृक्ष लगाएं और उसे पोषित करें, जो कि आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। तो आइए दोस्तों अब इसी के साथ हम आपको बताने की प्रयास करते हैं उन दो औरतों के बारे में, जिनसे कि दोस्तों आपको जीवन काल में समय शारीरिक सुख मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों,
तो इन बातों को आप जरा गौर से समझिए। तो दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में दो महिला आपके सामने चलकर आने वाली है। इस समय आपके जीवन काल में और लंबे समय से दोस्तों आपको प्रेम करती है, लेकिन वह आपको कुछ बोल नहीं पा रही है। जी हाँ दोस्तों, यह दो महिला आपके जीवन काल में इस समय शीघ्र ही चलकर आने वाली है। वह दोस्तों आपके प्रेम में तड़प रही है। जी दोस्तों, आपको कई बार इशारा भी कर चुकी है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज किए हैं, अनदेखा कर दिए हैं, या फिर आप जान नहीं पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वह एक सही मौके के इंतजार रहे हैं। जिस दिन उन्हें सही मौके मिल जाएंगे, वह आपके करीब खुद चलकर आने वाले हैं अपने तड़प को पूरा करने के लिए। दोस्तों, आपको शारीरिक सुखों से आपके मन की तृप्ति कर देंगे, आपके मन खुशियों से भर देंगे, आपका मन का इच्छा पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और कई तरह की सहायता भी वह आपको प्रदान करेंगे, आपको पैसों से भी मालामाल कर सकते हैं। बस यह बातें आपको गुप्त रखना होगा, अन्यथा दोस्तों आप बेवजह परेशान भी हो सकते हैं, समाज में बदनामी का शिकार भी आपको होना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों यह बात आपको गुप्त रखना है, यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। वह महिला आपके करीब आ भी जाएंगे, उसके बाद भी कोशिश करेंगे इस बात को किसी के साथ आप साझा ना करें। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको अपना लाभ लेना है, अन्यथा दोस्तों अगर आप किसी को इस बात के बारे में साझा करते हैं, तो दोस्तों आप एक को बताएंगे तो वह एक आदमी दो लोगों को बताएंगे, और दो लोग चार को बता देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपको समाज में बदनामी का भी शिकार होने पड़ सकते हैं, परेशान होना पड़ सकता है, इसीलिए कोशिश करें कि यह बात गुप्त रखें। जी हाँ दोस्तों, इस समय यह महिला आपके आस पड़ोस के भी हो सकते हैं, वह आपके करीब आने के लिए परेशान है, तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों एक औरत से आपकी मुलाकात अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर हो सकते हैं। आप दोस्तों कहीं रिश्तेदार के यहाँ इस समय जाते हैं, तो वहाँ पर दोस्ती सूरत से मुलाकात होने वाले हैं, वह आपके करीब आने वाली है, और आपके मन के सभी प्रकार की इच्छा को वह पूरी करेगी। आपको दोस्तों पैसों से भी मालामाल कर सकते हैं, आपको हर क्षेत्र में वह सफलता भी दिला सकते हैं। जी दोस्तों, उनका पहुंच काफी लंबा है, या फिर दोस्तों इस समय आप किसी शादी समारोह पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पर भी दोस्तों इन दोनों में से एक औरत से आपकी मुलाकात होने वाली है, जो कि खुद आपके करीब आना चाहेंगे। वह दोस्तों आपके प्यार में मोहित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके नाम का पहला अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों इनके नाम का पहला अक्षर पी आर एस के, इनमें से कोई एक अक्षर इनके नाम की शुरुआत हो सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इन दो औरतों की पहचान करने वाले हैं, जिनसे कि दोस्तों आपको शारीरिक सुख प्राप्त होने वाले हैं, आने वाले एक सप्ताह के भीतर में हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि इस समय आपको कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना है, अन्यथा आप बड़े नुकसान कर बैठेंगे, बहुत ही बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि इस समय आप यह खास ख्याल रखना है कि दोस्तों इस समय आपके मन में नकारात्मक बातें आने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आप कोई भी कार्य कर रहे थे, तो दोस्तों उस कार्य में मान लीजिए कि आपको देर से सफलता प्राप्त होंगे, तो दोस्तों उस काम को लेकर आप परेशान हो सकते हैं कि वह कार्य मेरा पूरा नहीं हो रहा है। अब वह कार्य हमें पूरी तरह से बेकार लग रहा है, वह कार्य हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और दोस्तों अब मैं उस कार्य को छोड़ दूंगा। इस तरह के बातें आपके मन में आएंगी, और दोस्तों
जिनसे कि आप उस कार्य को छोड़कर किसी गलत कार्य को करने की मन बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप गलत रास्ते पर चलने के लिए इस समय मजबूर हो सकते हैं नकारात्मक बातों की वजह से। तो ऐसे में दोस्तों आपको बड़ी ही सावधानी से काम लेना होगा। इस समय दोस्तों कोई भी कार्य आपके पूरा नहीं हो रहे तो आपके मन में जैसे ही नकारात्मक बातें आते हैं तो दोस्तों उन्हें आप जल्द से जल्द अपने दिमाग से निकालने के प्रयास करें। अन्यथा दोस्तों आप अपने मन के कहने पर दोस्तों आप कोई गलत कार्य कर बैठेंगे जिनसे कि आप पूरी तरह से परेशान हो सकते हैं, फंस भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने जिस कार्य को इस समय पूरा करना है, जिस कार्य में आप लगे हैं, उसे पूरी मेहनत और एकदम मन से करें, वह कार्य आपका जल्द ही पूरा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय आपको कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो कि आपसे जलते हैं, जो कि दोस्तों हमेशा आपसे झगड़ा करने के चक्कर में रहते हैं, आपको दोस्तों नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहते हैं। चाहे आपके दोस्त हो गए, आपके आस पड़ोसी हो गए, वह दोस्तों इस समय आपको काफी नुकसान पहुंचाने के प्रयास कर सकते हैं और वह दोस्तों आपको बहुत ही बुरी तरह से अपमानित भी कर सकते हैं, जिनसे कि आप अपने काल में डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो आपको इस समय ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो कि आपको हमेशा बुरा ही किता है और दोस्तों आपका नुकसान करने के चक्कर में रहता है, आपसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है। साथ ही दोस्तों इस समय आपको बेवजह किसी को भी सलाह देने से बचना होगा। मान लीजिए कोई भी आपके आस पड़ोस के व्यक्ति हो, कोई भी दोस्त हो, उन्हें देखकर दोस्तों आपके मन में उन्हें अच्छी सलाह देने की मन करेंगे, उन्हें दोस्तों आपके मन में अच्छे देने की प्रयास लगा रहेगा। लेकिन आपको ऐसा करने से बचना होगा क्योंकि दोस्तों आप किसी को भी इस समय बेवजह सलाह देते हैं तो दोस्तों वे आपकी बातों को बुरा मान जाएंगे और दोस्तों वे आपके ही ऊपर दोस्तों कुछ इल्जाम लगा सकते हैं जिनसे कि आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो इस समय आपको बेवजह किसी को भी सलाह देने से बचना होगा, अपने आस पड़ोस के लोगों को। साथ ही दोस्तों इस समय आपको अपने जीवन काल में कुछ खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है, जैसे कि दोस्तों आप सभी कुछ जातक जो कि नौकरी के तलाश में थे तो दोस्तों उनके जीवन काल में इस समय नौकरी प्राप्त होने की पूरी संभावना है। साथ ही दोस्तों अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पर भी दोस्तों काम करते हैं, तो उस बिजनेस के क्षेत्र में आपको दोस्तों इस समय लाभ होने की पूरी संभावना है। इनके अलावा दोस्तों अगर आप आर्थिक तंगी को लेकर परेशान हैं, रुपए पैसे को लेकर समस्याएं झेल रहे हैं, तो दोस्तों माता लक्ष्मी की वजह से आपको अपने जीवन काल में कार्यक्षेत्र में दोस्तों इस समय रुपए पैसे धन दौलत की वृद्धि होने की पूरी संभावना बन रहा है। दोस्तों हो जाइए सावधान, आपको तड़प तड़प कर मारना चाहता ही है इस नाम का इंसान जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है और इसका उद्देश्य किसी भी तरह आपको नीचे दिखाना है, क्योंकि जब भी आप इससे ऊपर जाते हो कि आपसे जलने लग जाता है और आपके पीछे करने के लिए तांत्रिक क्रिया काला जादू टोना टोटका सब कुछ करने लगता है। आखिर कौन है यह गुप्त शत्रु, आखिर यह कहाँ रहता है, क्या यह हमारा करीबी है या कोई रिश्तेदारी आस पड़ोस का इंसान है। वीडियो में आपको बिल्कुल बारीक जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप भी अंत तक देखेंगे तो आपको इसका नाम पता और सारी आदतें पता चल जाएगी, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा पाएंगे आखिर कौन आपका अपना है और कौन आपके साथ अपना बनकर आपकी पीठ में छुरा घू रहा है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बन रहे, एक एक बात अच्छी तरह से समझे। सर्वप्रथम जितने भी यहाँ पर माता कालरात्रि के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।
दोस्तों बागेश्वर बाबा के बचाए में इन तीन गद्दारों का नाम आया है और यह गद्दार आपको तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। दोस्तों एक गद्दार तो दोस्तों आपके घर में ही पल रहा है और दो गद्दार आपके आसपास ही दिन रात मंडराते रहते हैं। दोस्तों इन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके ऊपर रचा है दोस्तों, जिससे आप पूरी तरह से इनके वश में आ चुके हैं। दोस्तों मुझे पता है कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन आपकी हिम्मत तब टूट जाती है जब आप दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं और परिणाम कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। लाख कोशिशों करने के बाद भी आपके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। खुशी आपके घर पर आती है और दोस्तों घर से ही लौटकर चली जाती है। दोस्तों रोने का मन कर करता है लेकिन आप रो तक नहीं पाते हैं। दोस्तों हद से ज्यादा आप हताश हो चुके हैं, ना आपका घर में मन लगता है ना बाहर मन लगता है दोस्तों। रात में भी आपको नींद नहीं आती है, बहुत खराब खराब ख्याल आपको सताते रहते हैं। जागते हुए भी दोस्तों आपके दिमाग में कई सारी बुरी बुरी चीजें आती रहती हैं। भविष्य की चिंता सताती है तो कभी कभी कुछ ऐसी चिंता आपको सताती रहती है जो अक्सर दोस्तों आपके जीवन में होती ही नहीं है। कुछ अजीब सी दोस्तों आपको चिंता सताती रहती है, लेकिन आखिर यह सब क्यों हो रहा है। दोस्तों पहले तो यह इतनी दोस्तों मुश्किलें नहीं थी, अब अचानक से इतनी मुश्किल आपके जीवन में क्यों बढ़ गई है, तो इसका सीधा सीधा एक जवाब है दोस्तों कि आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके किए हुए हैं दोस्तों, और यह टोने टोटके आपके अपनों ने ही आपके ऊपर करवाए हुए हैं, जिनके नाम दोस्तों बागेश्वर बाबा के पचे में भी आ चुके हैं। और जब आप इन दुश्मनों के इन गद्दारों के नाम सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज गारंटी से आपको इन गद्दारों का नाम मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों आप हर किसी का भला करना चाहते हैं, दोस्तों आपका अगर कोई बुरा भी करता है तो भी आप उसी व्यक्ति का भला करते हैं। आपको पता है कि यह व्यक्ति हमेशा मुझे नीचा गिराता है, हमेशा मेरे बारे में गलत बातें करता है सभी के आगे, फिर भी दोस्तों आप उसी का भला करते हो क्योंकि यह आपकी अच्छाई है दोस्तों। लेकिन आपकी अच्छाई का हमेशा आपके आसपास के लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी आपकी अच्छाई का बहुत बुरा फायदा उठा रहे हैं दोस्तों। कई बार तो आपका हक तक आपके अपनों ने छीना है दोस्तों, आपके हक का भी दोस्तों आपके अपने छीन कर ले गए हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी भी अपनी नींद नहीं उड़ाई तो यह जो आपके अपने हैं दोस्तों आपकी कमाई तक का खा जाएंगे और पीठ पर लात मारकर आपको भगा देंगे। ऐसा कलयुग चल रहा है दोस्तों के यहाँ भाई भाई का नहीं हो रहा है दोस्तों। एक बेटा अपने पिता की हत्या कर रहा है चंद रुपयों के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर कलयुग चल रहा है। देखिए आपने कई विद्वानों के मुंह से सुना होगा, कई कथावाचकों के मुंह से सुना होगा कि पैसा पैसा मत करो, पैसा मत कमाओ, क्यों पैसों के पीछे भागते हो, मरने के बाद क्या पैसा साथ में जाएगा, कई पंडितों ने ऐसा कहा है दोस्तों। अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा, जी हाँ अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा, मुझे भी पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो आपको यह बोलता है ना कि पैसा पैसा क्यों करते हो, पैसे से कुछ नहीं होता है, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा, वही पंडित वही कथावाचक एक कथा करने के 101 लाख लेता है दोस्तों। यह इतना कलयुग चल रहा है, आप सोच सकते हैं कि जो पंडित मुंह पर बोल रहा है कि पैसा पैसा कुछ नहीं होता, वही पंडित दोस्तों लाखों रुपए लेता है, कथा करने के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े दोस्तों विमानों में उड़न दोस्तों करते हैं, यह लोग बड़े बड़े महलों में रहते और आपकी आस्था के साथ दोस्तों खिलवाड़ करते हैं। तो कृपया करके इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए और मेहनत करिए, मेहनत का खाइए दोस्तों और पैसा बचाइए, क्योंकि पैसा ही है जो आपको समाज
में इज्जत देगा आपकी। जब अंतिम यात्रा निकलेगी ना, तब दोस्तों आपके अंतिम यात्रा में जो लोग हैं वह तभी आएंगे जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। अगर आप एक गरीब होंगे तो आपकी अंतिम यात्रा में भी कोई नहीं आने वाला है। आपके पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी संतान भी शमशान में आपको कोसेगी कि पिताजी या माताजी आप तो चले गए, लेकिन हमारे लिए तो आपने धन कमाया ही नहीं, पूरी जिंदगी हो गई। आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। आपकी जलती चिता के सामने आपके बेटे बेटी आपको कोसे, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। धन कमाना है, धन बचाना है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। फिलहाल मैं उन दुश्मनों की बात कर रहा, तो दोस्तों देखिए, मुझे पता है कि आपके घर में पिछले कई समय से उटपटांग चीजें हो रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चीज है दोस्तों बीमारी। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार में छोटी छोटी बीमारियाँ लगती रहती है, आए दिन अस्पतालों में दोस्तों आपको पैसा लगाना पड़ रहा है। कभी किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का हाथ मोच आ जाता है, कभी किसी के सर पर चोट लग जाती है, कभी किसी को सर्दी हो जाती है, कभी किसी को जुकाम हो जाता है दोस्तों। ऐसी बार बार छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और कभी कभी तो बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, और पैसा पानी की तरह अस्पतालों में बहाना पड़ रहा है। जितना कमाते हो उससे ज्यादा तो दोस्तों अस्पतालों में भोगना पड़ता है आपको। कई बार तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर किसी अपने ने तंत्र मंत्र करवाया होता है, जिससे आपके घर के सभी व्यक्ति दोस्तों आए दिन बीमार होते रहते हैं। आपका पैसा टिक नहीं पाता है, आपका पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेता है दोस्तों। यह सारे संकेत है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है दोस्तों। उस दुश्मन का नाम बता देता हूँ। पहले दुश्मन का मैं नाम बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहले दुश्मन का नाम है दोस्तों, जो बागेश्वर बाबा के पचे में निकला है, वह है दोस्तों, जी हाँ, तरबूज का जो होता है ना, उसी से दोस्तों। जिस व्यक्ति का नाम से शुरू होता है वही है आपका सबसे बड़ा गद्दार। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। कभी कभी तो दोस्तों इस व्यक्ति के साथ इतनी अच्छी बनेगी आप दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इससे अच्छे से रहने लगोगे दोस्तों। हो सकता है नाम का आपका सबसे खास मित्र भी हो सकता है, तो नाम का दोस्त आपका भाई भी हो सकता है, तो नाम वाले से दोस्तों आपकी मित्रता भी काफी अच्छी हो सकती है। नाम वाले आपके लिए जान तक दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन यह सब केवल ऊपरी दिखावा होता है। यह लोग दोस्तों आपको कहेंगे कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मैं तेरे लिए जान तक दे सकता हूँ, दिखावा दोस्तों बहुत करते हैं यह लोग। और जब समय आता है आपको कोई मदद चाहिए होती है, तब दोस्तों यह आसपास पास भटकते तक नहीं है, लेकिन दोस्तों आप इनके लिए एक मिठाई है। और यह दोस्तों मक्खी की तरह आपके ऊपर भिना आने लग जाते हैं। जब आप दोस्तों कुछ अच्छे पद पर होते हैं, जब आपके पास धन दौलत होता है, आपके पास सब कुछ होता है, तो यह लोग दोस्तों आपके आसपास मंडराते रहते हैं और आपका फायदा उठाते रहते हैं। कभी धन से, कभी तन से, हर चीज से आपका फायदा उठाएंगे। और जब आप किसी का के नहीं रहेंगे, तब दोस्तों ऐसे उठेंगे कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहे। यह लोग दोस्ती दुश्मनी भी बहुत खतरनाक करते हैं दोस्तों, इन लोगों से हमेशा बच के रहिएगा। यह लोग अगर दोस्तों आपके दुश्मन बन गए, यह लोग दोस्तों अगर आपके गद्दार बन गए, तो दोस्त आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। यह लोग टोने टोट के तंत्र मंत्र में भी माहिर होते हैं दोस्तों। यह लोग अपने दुश्मन को कभी भी छोड़ते नहीं हैं, अपने दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना लेते हैं। इसलिए नाम वालों से हमेशा बच के रहिएगा। हो सकता है तनाव वाला आपके घर में ही मौजूद हो। हो सकता है दोस्तों तनाव वाला आपका सबसे खास दोस्त हो, तो क्या दोस्तों आप उसके ऊपर शक करोगे? क्या आप
दोस्तों उससे दोस्ती तोड़ दोगे क्या आप? दोस्तों उसको घर से निकाल दोगे? जी बिल्कुल नहीं, दिमाग से काम लेना है, ना दोस्ती तोड़नी है ना ही उसके ऊपर दोस्तों आपको कोई इल्जाम लगाना है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से काम करना है। काम क्या करना है मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। दोस्तों इन लोगों को आपको कुछ भी नहीं बोलना है, लेकिन दोस्तों आपको इनसे थोड़ी सी दूरी बना लेनी है, ना ही दोस्ती तोड़ने हैं ना ही रिश्ते तोड़ने हैं दोस्तों, ना ही इनको कुछ बुरा भला बोलना है। बस आपको इनकी हर एक हरकत पर नजर रखनी है कि यह लोग दोस्तों आपके सामने क्या होते हैं, पीठ पीछे क्या होते हैं। कई बार दोस्तों यह पीठ पीछे आपके ऊपर तंत्र मंत्र तक करते हैं। दोस्तों इनकी हरकतों पर ध्यान देंगे तो आप दोस्तों इनके तंत्र मंत्रों से बच सकते हैं। देखिए तंत्र मंत्र होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके घर में दोस्तों अक्सर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटती रहती है। कभी किसी की चोट लग गई या दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, यह सब दोस्तों होता रहता है। बार बार दोस्तों कुछ ना कुछ उटपटांग चीजें होती रहती है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी दोस्तों कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करने लगता है। दोस्तों घर के व्यक्ति बार बार लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, घर में मन नहीं लगता है। दोस्तों घर में जब तंत्र मंत्र होता है ना तो घर में मन तक नहीं लगता है। दोस्तों मन ही नहीं लगता है, घर में आने का भी दोस्तों दिल नहीं करता है, घर से बाहर जाने की इच्छा करता है। और साथ ही दोस्तों कभी कभी अचानक से घर में कोई आग लग जाती है, अचानक से घर में दोस्तों कोई अजीब सी बदबू आती है। दोस्तों ऐसी बदबू आएगी जो आपको दोस्तों एक अजीब सी दिखेगी, ना ही वह बहुत खतरनाक बसेगी ना ही खुशबू देगी, लेकिन एक अजीब सी बदबू कहे या स्मल कहे, एक अजीब सी दोस्तों आपको महक आएगी। यह दोस्तों महक काफी दिनों तक आपको सताएगी। कभी कभी दोस्तों कुछ मिनट के लिए आपको आएगी, कभी कभी कुछ घंटों तक आ सकती है। यह सारे संकेत होते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। आपके घर में दोस्तों किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। कई बार दोस्तों अचानक से आपको जब आप सो रहे हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई चल रहा है या मेरे आसपास कोई व्यक्ति और भी है, लेकिन होता कोई नहीं है। दोस्तों कई बार अचानक से दरवाजा लग जाएगा। यह सब चीजें जो होते हैं ना, यह तंत्र मंत्र और टोने टोटके का संकेत होती है। देखिए दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को अभी के अभी कर देना। उपाय क्या है दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो लाल मिर्ची आती है ना दोस्तों, सूखी हुई जो लाल मिर्ची होती है ना, आप पूरी ले लीजिएगा। उस लाल मिर्ची कोडोट बीच में से दो टुकड़े कर दीजिएगा और उसमें से दोस्तों जो बीज निकलते हैं, जो लाल मिर्ची के जो बीज होते हैं ना, वह अपनी हथेली में ले लीजिएगा और उन लाल बीजों कोडोट 11 अलग कर लेना है। 11 बीज अपनी हथेली में ले लेना है, बाकी बीजों को फेंक देना है। अब उन 11 बीजों को दोस्तों आप अपने सर से लेकर पाप तक 11 बार दोस्तों सर से पाप तक दोस्तों आपको 11 बार ऊपर नीचे उतार लेना है दोस्तों। और 11 बार ऊपर नीचे करने के बाद आपको तवे के ऊपर, जी हाँ दोस्तों तवे के ऊपर उन बीजों को डाल देना है। वह बीज जब जल जाए तो उनको घर के दरवाजे के बाहर दोस्तों फेंक देना है सड़क पर। यह चीज जब आप करोगे तो आपके ऊपर अगर किसी ने तंत्र मंत्र करा है, किसी ने वशीकरण किया है, तो वह तुरंत उतर जाएगा दोस्तों, वह तुरंत रूप से उतर जाएगा। आपको यह उपाय हर हफ्ते करना है दोस्तों, क्योंकि इस उपाय का असर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता। इस उपाय को आप हर हफ्ते करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है तो आप हर हफ्ते इस उपाय को करने लगे, आपको तुरंत दोस्तों असर दिखने लगेगा। ठीक वही दोस्तों अब अगले दुश्मन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, अगले
दुश्मन का नाम शुरू होता है दोस्तों वह अक्षर से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के वह अक्षर से दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो वह नाम वाले होते हैं इनसे आपका 36 का आंकड़ा होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपकी बहुत अच्छे से बनती है। यह लोग दोस्तों आपसे प्रेम करने का दिखावा भी करते हैं, आपसे अपना बनने का दिखावा भी करते हैं। यह लोग दोस्तों आपके मुंह पर बहुत ज्यादा मीठे बनते हैं। आपके मुंह पर आपको जताए गए कि आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक यही है, सबसे ज्यादा आपकी चिंता इन लोगों की ही है, इन लोगों को ही है। लेकिन दोस्तों असलियत यह नहीं होती है, असलियत यह होती है कि यह मुंह पर तो आपको भाई भाई करते हैं, आपको अपने बनाते हैं दोस्तों, लेकिन पीठ पीछे समाज में भी आपके नाम की दोस्तों अफवाह उड़ाते हैं, गलतफहमियां पैदा करते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपसे झूठा प्रेम करने का ढोंग करते हैं। जब तक आप दोस्तों इनके काम आएंगे, जब तक आप दोस्तों इनके कुछ ना कुछ काम आते रहेंगे, यह लोग आपसे जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन जब आप इनके काम नहीं रहेंगे, जब आप इनके काम के नहीं बचोगे, तो यह लोग आपसे रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। और दोस्तों यह लोग बहुत खतरनाक होते हैं। यह लोग दोस्तों मन में बहुत पाप रखते हैं दोस्तों। अगर कोई चीज इनको पसंद नहीं आती है ना, तो आपको मुंह पर नहीं बोलेंगे बल्कि अपने मन में रखेंगे। छोटी से छोटी बातों को अपने मन में दबा कर रखते हैं दोस्तों। बहुत ही गुपचुप इंसान होते हैं यह लोग। इनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यह मन में छलक कट रखते हैं, मन में इनके पाप छुपा होता है आपके प्रति दोस्तों। इसलिए यह आसानी से आपके सामने कुछ भी नहीं बयां करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब समय आएगा ना, तो सबसे बड़ा विश्वासघात यही लोग आपके लिए करेंगे दोस्तों। इन लोगों की दोस्तों आपकी राशि के साथ नहीं बनती है। यूं तो यह लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है, लेकिन आपका और इनका 3 का आंकड़ा है दोस्तों। आपकी राशि और उनकी राशि का दोस्तों बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए इन लोगों से दोस्तों ना ही रिश्ता तोड़ना है, ना ही दूरियां बनानी है। इन लोगों से दोस्तों आप रिश्ता रखें, दोस्ती भी रखें, लेकिन दोस्तों अपने राज इनको मत बताइए। अपनी दोस्तों पर्सनल बातें इनके साथ शेयर मत करिए, वरना दिक्कतें आपको हो सकती हैं। यह लोग दोस्तों आग लगाने के काम करते हैं दोस्तों। छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर दोस्तों लोगों के सामने बयां करते हैं। इसीलिए इनसे बच के रहिएगा। और रही बात दोस्तों टोने टोट के तंत्र मंत्र की, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपके परिवार का ही एक व्यक्ति है दोस्तों जो आपके ऊपर पिछले 13 सालों से तंत्र मंत्र टोने टोट के करवाए जा रहा है दोस्तों। आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है दोस्तों। आप कितनी ही मेहनत कर ले, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह दुश्मन दोस्तों आपकी तरक्की के पीछे लगा हुआ है दोस्तों। जैसे आप दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे आपके जीवन में दोस्तों आप सोचते हैं कि अब मैं यह करूंगा, अब मैं वह करूंगा, वैसे ही दोस्तों यह व्यक्ति आपकी तरक्की को बांध देता है। इस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में कभी भी सुखा ही नहीं रहा है दोस्तों। इस व्यक्ति ने आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों की तरक्की को भी बांध दिया है दोस्तों। देखिए इस व्यक्ति को दोस्तों आप कैसे रोकेंगे, कैसे इसके तंत्र मंत्रों से बचेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों आपको मैं बिल्कुल ध्यान से बताने जा रहा हूँ, उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखिए हम लोगों को रोक नहीं सकते हैं, हम लोगों को दोस्तों कुछ मना नहीं कर सकते हैं कि तुम मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, उससे हम लड़ने नहीं जा सकते। मान लीजिए मैं आपको उसका नाम बता दूंगा कि यह नाम का व्यक्ति है, यह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, तो क्या आप उसके पास जाएंगे, उससे लड़ाई करेंगे, तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होना है दोस्तों। भले ही वह बोल दे कि हाँ मैंने तंत्र मंत्र करवाया, तो क्या होगा उससे, क्या आपको दोस्तों तंत्र मंत्र कुछ करेगा नहीं, तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं
करेगा करेगा दोस्तों, वह व्यक्ति तो अपना काम करेगा, उस व्यक्ति का दोस्तों आप बाल तक बाका नहीं कर पाए, परेशानी आपको ही होनी है। लेकिन दोस्तों करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आपको अगर समय लग रहा है हर चीज में, दोस्तों समय हर चीज में लगता है, दोस्तों हर चीज में परेशानी आती है। छोटा सा कोई अच्छा कार्य करने जाओ तो उसमें भी विघ्न आ रहे हैं। दोस्तों एक रुपया कमाने में भी नानी नानी दादी याद आ रही हैं। दोस्तों तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने उपाय बताया था मिर्ची वाला, अब दोस्तों जो मैं उपाय बता रहा हूँ वह आपके पूरे घर के लिए होगा। क्योंकि जो दुश्मन होता है ना केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं हावी होता, यह जो दुश्मन होता है ना पूरे घर के ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा देता है। और इसको दोस्तों आप कैसे रोकेंगे, कैसे इसके चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। एक बहुत ही सटीक एक उपाय मैं बताने जा रहा हूँ घर से जादू टोने का असर खत्म करने के लिए। सुंदरकांड का पाठ करवाएं, साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करवाएं। ऐसा करने से आपके स्थिति में लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक खास उपाय बता रहा हूँ आपको, दो सुपारी लेनी है, इन दो सुपारी वाला में चढ़ाना है, एक सुपारी के ऊपर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दे और उसे आप अपने साथ घर ले आए और उसे अपने घर के गमले में गाड़ दे, फिर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ बाहर हो जाएंगी। कोई पेमेंट अगर आपका रुक हुआ था तो वह भी क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ बाबा की कृपा आपके ऊपर ऐसे बरसेगी कि जो व्यक्ति उधर लेकर के देने का नाम नहीं ले रहा था, अब वह आगे रहकर की आपका पैसा चुकाने वाला है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, यह सब हनुमान जी महाराज की कृपा नहीं तो और क्या है कि जो लोग आपका पैसा का कर बैठे थे वही लोग अब आपका पैसा पुनः आकर के आगे रहकर चुकाने वाले हैं। तो आर्थिक स्थिति यानी दौरान अगले 10 दिनों में बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि कई समय बाद बन रहा है गस केसरी महासंयोग। और जब भी जीवन में यह संयुक्त आपके बना है वह वहाँ पर भाग्य ने आपका साथ अवश्य दिया है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा भी समय और जब मेरा समय आएगा तो दोस्तों मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसे कई लोग बोलते हैं। लेकिन हम सभी से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की जरूर नहीं है, जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा कम कर दो कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। यह बहुत पाते की बात है और हर किसी के समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिन लोगों के समझ में आई है वह वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं। आने वाले अगले 10 दिनों में जो ग्रहण के राजा सूर्यदेव का राश्य परिवर्तन हो रहा है उससे आपके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जैन वाली है खास। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।